अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान सैफी। सलामत साथ सलामत के साथ अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ियसन शहर में, जहां पर एक तालाब था पानी का, जिसमें मछलियां छोड़ी जाती थी। पानी की कमी के बायस ये ज़मीन जो है ना, दरारें खा चुकी है। मेरा कैमरामैन आपको ये दरारें दिखा सके, तो आप ये देखें कि पानी, एक तो सैलाब का जो अंदेशा, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सिंध के अंदर जो है ना सैलाब और केके बंद या गुडू बेरा से टूट कर यहाँ पे जो है सैलाब आ सकता है, लेकिन सैलाब कहाँ है? नहरों में पानी नहीं है, ये तालाब सूखे हुए हैं। इन्हीं तालाबों से इंसान भी पानी पीते हैं और जानवर भी यहाँ से पानी पीते हैं, जबकि मछलियाँ भी हमको ताज़ी फ्रेश इधर से मिलती थी, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है तो इंसान कहाँ से पिएगा, जानवर कहाँ से पिएंगे, तो मछली कहाँ से मिलेगी? तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट, वफाक हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिंध को जो माशी मुस्तकबिल है वो ज़रात है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए, ज़रात के लिए हमें पानी की सख्त ज़रूरत है। और पानी जो अभी तकरीबन 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, जो लेट है, देर हो चुकी है, जो 2 माह पहले आता था, अभी तक पानी नहीं आया। अभी गुडू बैराज में 10 से 12 लाख पानी की सतह बताई जा रही है, लेकिन हमारी नहरों में पानी नहीं है। तालाब आपके सामने हैं, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, खुशहाली जो है ना, कुछ साल की वजह से गर्मी इतनी बढ़ गई है कि इंसान सांस लेने से भी कसीर है। परिंदे इलाका छोड़ रहे हैं, माल और मईशत तबाह हो रही है, कारोबारी मरकज सारे बंद हो चुके हैं। तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, अगर मुल्की मईशत को आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, तो हमें नहरों में पानी दें, ताकि हम अपने सफ़र गुजर भी कर सकें। हमारा गुजर सफ़र इन्हीं ज़मीनों पर है, इन्हीं फसलों पर है। हम ज़रात पे चलते हैं, कोई हमारे पास फैक्ट्रियाँ थोड़ी हैं या और कोई वसाइल है, या गवर्नमेंट ने हम सबको गवर्नमेंट की जॉब दी रखी है, या कोई वजीफा देता है, कुछ भी नहीं है। हालात पहले भी हम कमतर, गुर्बत की लकीर के नीचे दबे हुए हैं, ऊपर से हुकूमत हमें सख्त परेशान कर रही है। खुदारा रहम खाएँ, सिंधी कौम पर रहम खाएँ, सिंध को पानी दें, ज़िला जैकबाबाद तहसील टुल को पानी दें, ताकि हम अपनी ज़रा ज़मीनों को आबाद कर सकें, और उन्हीं आबादी से हम जो अपने बच्चों का गुजर सफ़र कर सकें, और उसके अलावा हमारे जो आम जिंदगी है वो पानी से है, जानवर इंसान पानी पीता है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी नोटिस लेकर हमें पानी फराहम करें, ताकि हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अब लूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद, सलामत, सब सलामत।